बोलिएगा भाई क्या हो ये अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। कल की वीडियो हमने जो बनाई थी जिसमें जो है हम आपको जो है हमने आपको एयर जॉर्डन्स दिखाए, हमने आपको जो है वो लेदर की मार्केट्स दिखाई, तो आई होप वो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो आज का सीन कुछ ये है कि अभी तो फिलहाल सुबह सुबह का वक्त हो रहा है, मैं जाऊँगा अभी ऑफिस काम करने के लिए, और आज हफ्ते का दिन है लेकिन आज मुझे काम पे जाना पड़ेगा क्योंकि मंडे वाले दिन की छुट्टी है इस वजह से। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी मैं शावर वावर लेके जो है वो छत पे आ गया था, तो छत पे आने के बाद सुखा रहा हूँ अपने आप को, फिर उसके बाद नीचे जाके रेडी होके फिर मैं जाऊँगा ऑफिस। और यहाँ पे जो है वो क्रिकेट मैच भी चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये क्रिकेट मैच चल रहा है, दोनों जो है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो है वो बैटिंग कर रहा है और एक बंदा फास्ट बॉल कराने के लिए जा रहा है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये बॉलिंग कराई, ओ व्हाट अ नाइस शॉट, मुझे नज़र नहीं आया शॉट का ये, लेकिन बहुत अच्छा शॉट था। तो खैर ये सारी चीज़ें सिचुएशन है। आज हमज़ा ने बोला है कि उसको जो है हमारे एम्प्रेस मार्केट वाली वीडियो देख के जो है उसको भी शौक चढ़ गया है कि वो ड्राई फ्रूट ख़रीदेगा, तो उसके साथ आज जाएंगे रात में ड्राई फ्रूट ख़रीदने के लिए। तब तक अब मैं जाऊँगा नीचे, बाकी के काम अपने मुकम्मल करके शाम तक घर आऊँगा, फिर उसके बाद आप लोगों से मुलाकात करूँगा। 8:01 PM अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो यार आज मुताल की तरफ आए मैम, और अभी दोबारा से हमारा फड्डा हो गया। उमेश भाई फड्डा क्यों हुआ यार? हमेशा की तरह फड्डा हो जाता भाई, फड्डा नहीं हुआ भाई, कोई फड्डा हुआ इन दोनों में, हमेशा की तरह लड़ाई हो जाती है इन दोनों में, पता नहीं क्या सीन है। वजह एक है कि भाई लेट, हमेशा की तरह आज का सीन था 8 बजे का, अभी 10 बज रहे, करना क्या है ये भी कुछ नहीं पता। आज वैसे हमें जहाँ था ड्राई फ्रूट लाने के, अबे बता दिया था भाई, मैंने भी उसको बताया था कि हम लोग ड्राई फ्रूट लेने आए हैं, क्या करना है अभी, ड्राई फ्रूट लेने जाना है अभी। चल लो अगर तुम भाई, तो तुम्हारा डिसाइड है, तुम खरीदोगे, तुम बताओ व्लॉग में अगले दे, बस अभी क्या कर सकते, मूड तो खराब है लेकिन अभी जाते हैं, रास्ते में सही हो जाएगा। और इसकी तबीयत खराब है, आप लोग इससे हाय हेलो कर लें, ये तो मरने वाला है 2-3 दिन में भाई। तबीयत मेरी थोड़ी नासाज हो गई है, ये शायद मुश्किल ही लग रहा है मुझे ज़िंदगी के हालात जिंदा रहना, बस दुआ करिए आप लोग कि भाई मैं सही हो जाऊँ, तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई मेरी, थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है। जब से वो शपाटर रोल खाया ना बा खुदा, टांग बहुत बुरी हालत हुई है जब से वो शपाटर रोल खाया। शपाटर रोल तो ये खाया लेकिन मेरा कुछ और थोड़ा कंडीशन, उस वक्त भी मैंने बोला था एवरेज है सही है, उस वक्त ये बोल रहे थे नहीं क्लास था लेकिन क्वालिटी तो थी। कौन सी क्लास में था? सेकंड ईयर क्वालिटी थी लेकिन यार मेरा थोड़ा सा कुछ और मामला चल रहे हैं, तो थोड़ा सा तो मतलब शपाटर रोल खाने की वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई? उससे पहले से ही तबीयत मेरी खराब है लेकिन बस थोड़े से दुआ करें आप लोग कि मैं ठीक हो जाऊं। अगर देसी जमाने हो रहे हैं इनको बवासीर हो गई, अस्तगफुरुल्लाह यार, ऐसा ना बोले यार, दुआ बस समझ लें कि भाई पॉइंट ऑफ व्यू वही जा रहा है, बस दुआ करें कि अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह ये अल्लाह के हाथ में जो भी हो सकता है। अभी कहाँ जाना है फिर? अभी मार्केट 11 बजे तक खुला होता है, अगर 10:30 बजे तक पहुँच सकते हैं तो चलो भाई, चलो उड़ते हुए तीसरे पे, तीसरे में गुम चौथे में गुम हो जाना है। अगर हमजा अगर रेडी है तो फिर हम चले जाएंगे, वरना तो फिर कोई सीन नहीं आज। चलो फिर पोई ऑयल रास्ते में दिखाई, हम लोग पहुँच गए प्रिंस मार्केट, जो कि लास्ट वीडियो में आप जैसे यहाँ तुम लोग आए थे विजिट करने के लिए, तो अभी हम मुदाल अपनी बाइक लॉक कर रहे हैं और हमजा, हाँ भाई क्या क्या लेना है आज? केला भाई, केला लेने आए इतने दूर से, और नहीं वैसे केला तो नहीं लेंगे, लेने तो आया कुछ ड्राई फ्रूट हमजा के लिए, तो चलते हैं अंदर, तो अंदर के दिखाते हैं, और जहाँ आप लोगों को दिखाया था ना ड्राई फ्रूट को वहीं लेके जाएं, क्या बोलते हैं? वही चलो भाई, यहाँ पल्ला मछली लेना है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है हर किस्म की मछलियाँ दस्तियाब है, तो पल्ला मछली लेना है। अब भाई जो तुम्हें लेना है पहले वो लो, बाद की बात देखी जाएगी, चले अंदर। तो भाई चलते हैं हम लोग अंदर, और यहाँ भैंस का टांग रखा हुआ है, भैंस का टांग लग रहा है ना, भैंस का टांग लग रहा है, मोटा मोटा टांग।
उसी जगह पे आ गए जहाँ पे हम लोग पहले आए थे एक्सप्लोर करने के लिए। और अंदर की तरह अभी सारी बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई हैं मार्केट वगैरह, क्योंकि लेट आए हम लोग। भाई दुआ करो कि वो रैफर की दुकान खुली हुई हो। हैं गुलाबा भाई गुलाबा। अच्छा 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 आज हम सर ड्राईफ्रूट लेके एकदम मोटा हो गया। क्या हो गया क्या हो गया, क्यों गिर रहे हो भाई? हम सर भाई ड्राईफ्रूट खा के जो है ना रेसिंग रेसिंग लड़ेंगे शायद। अब हम मार देंगे भाई एक दूसरे को ड्राईफ्रूट खा के एकदम। आज दोबारा बताऊ नहीं, दुकान बंद हो गई इसकी। तो भाई हम उसी जगह आ गए जहाँ पे लास्ट टाइम जिससे आप लोगों को वीडियो में दिखाया था, तो ये वही है जहाँ पे हम आए थे। भाई हम लोग आ गए इस दुकान में, तो अभी आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। बादाम छाटी हो रहा, छाटी काजू है काजू ये भाई एकदम अरे गलत अरे गलत। ये रोस्टेड काजू है। कौन सा काजू है? रोस्टेड। रोस्टेड वैसे क्या होता है मुझे नहीं पता। जब रोस्टेड का मैंने भी नाम सुना। रोस्ट किया वही। हाँ काजू कब रोस्ट बनाया था? भुना हुआ है ना काजू? भाई काजू ये भुना हुआ है। भाई तुम्हें क्या खरीदना हो तो दो पहले सफर करो। देखूं नहीं मार्केट, अभी मार्केट देखने आया है, अभी लेने नहीं आया है। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? किससे ये इनको बोल दे ना। देखो डर नहीं लगता? नहीं नहीं लेने आए भाई, लेने आए बकायदा खरीदने आए आज इंशाल्लाह। अंकल मिक्स ड्राई फ्रूट कितने का? 700 रुपये पाओ। इसमें क्या क्या? बादाम काजू अखरोट और काजू और किशमिश। अच्छा, और वैसे काजू क्या पाव चल रहा है? 800। और पिस्ता? अबे तुम यहाँ क्या कर रहे हो बैठ के? सर में इसके दर्द हो रहा है भाई साहब की, भाई हम लोग अचानक प्लान बनाए ये इसका मूड उठ चुका था और था बिल्कुल। सादे अच्छा वाला कौन सा? नमकीन या टेस्ट करवाएंगे एक एक इनको पहले टेस्ट करना है, उसके बाद व्हाइट वाले कौन से? व्हाइट वाले हाँ व्हाइट वाले और ये नमकीन और व्हाइट वाले सादे ले लूं। तुम भी टेस्ट कर लो भाई आके। अब तुम तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे भी हैं। तुम्हारी देख के तो हुआ मुझे भी। दोनों में टेस्ट कर कौन सा सही लग रहा है भाई? ये देखो ये जो नमकीन होगी सही है। ये नमकीन है चेक कर दोनों में जो कि भुना हुआ है, और ये जो है ये सादा है जो कि मीठा नमकीन ना। एक पाव दिएगा नमकीन और ये पिस्ता दे दिएगा पाव। सर भुना हुआ और सादे में क्या फर्क है? जायके का है पूरा। ये वाला अच्छा है ना? कौन सा लिए तुम? ये पैकेट में कितना होता है भाई? ये भाई हमदा साहब ने भुना हुआ काजू ले लिया, बल्कि खरीद लिया, ले लिया गया। तुम फ्री फंड में खा रहे हो ना काजू है? और अखरोट चिलावा? अखरोट क्या है? चिलावा साबित। अखरोट से याद आ रहा है यार, किसका दिमाग अखरोट जैसा होता है बताओ? मगरमच्छ का है। मगरमच्छ का मगरमच्छ का दिमाग अखरोट जैसा होता है। भाई कितना खरीद रहे हो जो खत्म ही नहीं होके दे रहे हैं? कितना खरीद रहे हो? ले लो भाई खरीद लो भाई जल्दी से जल्दी, सर्दी भी हो रही है, रात भी ज्यादा हो गई यार।
हमें अंकल से मोहब्बत, इसलिए अंकल के बोलने पे वेट कर रहे हैं हम। अंकल तो चाय पिला ही नहीं, कम से कम चाय ही पूछ लेते अंकल। दिया ऑर्डर अंकल आपने? साजो नमकीन में फर्क है पैसे का, सेम है ना पैसा तो? हमने सेम रखा हुआ है लेकिन फर्क क्या भेजते हैं लोग? नमकीन में बुनाई भी लगती है, नमक भी लगता है, गैस भी चलती है, मेहनत भी लगता है। आप बोलने की जरूरत नहीं, ऐसा लेट लगा और भी बंदे लेके आएंगे आपके पास, वीडियो के थ्रू आ भी सकते हैं लो भाई लोग, तो गुंजाइश कर लीजिए। ये हमजा पैसा दे रहा है मोहब्बत में। कितने हुए, कितने पैसे हुए, कितने? 3,000 हो गए। हमजा ने सब चीज खरीदी, सब चीज खरीद लिया भाई। 100 रुपए काटे कितने में? 29। 100 रुपए डिस्काउंट तो मिल गए ना, और क्या चाहिए यार, यही है, फ्री में चाहिए था। अब वीडियो देख के अंकल फ्री में देने से रहे, तो वही चलते हैं। हम लोग ने हमजा के लिए ड्राई फ्रूट तो खरीद लिया है, और पूछते हैं कि चाय वगैरह पिला देंगे तो सही है। सर्दी है कौन हमजा? क्यों ना खर्चा हो गया मेरा। अब जो तुम खाओगे भाई मोटे हो गए, और क्या, खाने से मोटे नहीं होते। तो भाई हम लोगों ने खरीद लिया है, और अब हम लोग अब जा रहे हैं घर की तरफ, तो देखते हैं क्या सीन है। रास्ते में कोई प्लान बन गई कोई चाय वाय का तो हो जाएगा सीन, वरना ये लोग गरीब लोग क्या खिलाएंगे, ये तो पूछ भी नहीं रहे। ये देखा मुंह बना के जा रहा है अबे ओ भाई है? अबे भाई गेट बंद हो गया ये तो। नहीं नहीं आप भाई का खुल गेट खुल नहीं रहेंगे रात भर है, मैं खोलेगा भाई क्या हो गया। अबे भाई गेट ही बंद हो गया, हम लोग कैसे जाएंगे? लो ये गेट बंद हो गया जहाँ से हम लोग एंट्री किए थे, और भाई साहब कह रहे हैं कि भाई घूम किडनैपिंग, और भाई साहब कह रहे हैं कि घूम के जाना है। अब मतलब देख रहे हैं इज्जत ही नहीं है भाई, हर जगह इज्जत नहीं, जलालत। हाँ तो भाई उस गेट से तो बंद हो गया था, और हम लोग फिर बैक साइड वाले गेट से आए, और अभी हम लोग घर के इधर निकल रहे हैं। तो बाकी बाइक देखते हैं क्या सीन है, अभी हम रास्ते में तो मोबाइल नहीं चलाएंगे क्योंकि आपको पता है कराची के हालात कैसे हैं। तो चलते हैं अब कि ड्राई फ्रूट वगैरह लेके, बल्कि ड्राई फ्रूट नहीं बोलूँगा, सामान लेके वापस आ गए थे, क्योंकि ये वर्ड आप लोगों ने बहुत सुन लिया, काफ़ी दफ़ा बोल चुका ये भी, ये तो पूरा रास्ते ही दिमाग खा रहा था मेरा। तो सामान वगैरह लेके हम फारिग हो गए, और अभी मुताल के पास, मुताल के घर वापस आ गए, अभी इसको ड्रॉप करते फिर मैं और उमैद निकलेंगे अपने अपने घर। तो सीन ये कि भाई ये ड्राई फ्रूट है, और ये केला, ड्राई फ्रूट तो हमजा का है। हाँ तो ये केला लिया आपका भाई, आपने क्यों बोला कि आपका भाई लिया? यार कहाँ लिया, शेयर कर लेंगे ना। कहाँ लिया? हाथ पे। अच्छा तो ये बोल रहे हैं ड्राई फ्रूट खरीद, वो केला खरीदा मैंने, तो वही तो कह रहा हूँ यार, ये तो आधा मेरा हो आधा आधा केला आपका। अच्छा ये सीन है बस, सही है। आप केले के साथ क्या करोगे? केले के साथ खाएंगे भाई, क्या मतलब यार, आप यार ये क्या बोलना क्या चाह रहे हैं भाई? देखो अभी ड्राई फ्रूट भी आ गया, और आपके पास केला भी है, सही है? आपके पास केला गया। अब मुदाहल को बोलो कि दूध खरीदे, हाँ। और इसका बनाते हैं मिल्कशेक। यार ये तो यार यकीन, अगर टाइम होता ना हमारे पास, यकीन करे बाखुदा आपका भाई एकदम फुल रेडी था। लेकिन बनाता कहाँ? लेकिन मसला ये था कि वो ग्राइंडर, क्या बोले उसको, ग्राइंडर कहाँ, ग्राइंडर का बड़ा मसला होता है, घर से करवाते हैं और क्या। लेकिन यार अभी टाइम नहीं है हमारे पास ना, और रात भी ज्यादा हो गई, सर्दी भी बढ़ गई है, तो सीन ये है कि बस कल देखेंगे क्या। कल का प्लान भी कोई पता नहीं है हमें आज का, अभी तो घंट में सीन बनेगा कल भी। हम मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, या तो मेरा मूड खराब होगा, या तो हमजा का, या तो मुताल भाई कल आप चैलेंज करने वाले हैं। मैंने सुना कोई साहब नहीं है, चैलेंज नहीं है, कल आप शायद कुछ खरीदने वाले हैं, ये बताइए ना, आप बता दीजिए, अभी बता दीजिए। नहीं वो उसका देखते हैं क्या करना है, फिलहाल अभी आज का ब्लॉग एंड करते हैं, फिर कल का कल ही देखते हैं कि क्या करना है। वही तो कह रहा हूँ, भंड में सीन बनेगा, कोई भी सीन बनेगा, कुछ भी नहीं पता हमें, और ना ही आपको पता है, भंड में सीन बनने वाला है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इससे पहले लेदर जैकेट वाली वीडियो भी आई हुई है, उसमें हमने ये भी दिखाया है कि जो है सदर की मार्केट में आपको सस्ते में एयर जॉर्डन्स में मिल जाएंगे।
तो वो भी जाके देखिए, उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और वैसे वैसे एक बात नोट किया आप लोगों ने पूरी वीडियो में, बंदा सीरियस है आज भी सीरियस से भी बात बोला। मैं अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस हो गया हूं, बहुत ज्यादा अचानक से याद आया कि यार यार शिट यार आज मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ बनना है, अभी इसको याद आया ये बात। वैसे सीरियस में बंदा ये सीरियस में बंदा है। वैसे यार आप पूरी वीडियो में आप लोग देख सकते हैं भाई, मुताल भाई ने कुछ बात ही नहीं किया, दम बैठे हुए दम भाई। आज हम लोगों को मौका दिया ना बात करने के लिए, हर दफा बात करता हूं तो थोड़ा सा मतलब सीरियस में आज इसको याद आ गई कि आज मुझे कुछ बड़ा आदमी बनना है भाई। अब मैं घर जाऊंगा और जो है मैं कल सुबह कुछ बन के उठूं। हां तो यही सीन है, मुकेश अंबानी बन जाए आज रात में सोएगा और सुबह मुकेश अंबानी। अंबानी जेब में बोला ना जेब में लेके घूमता हूं, जेब है, जेब तो फटी हुई है भाई, अंबानी जेब में लेके घूमता हूं, जेब तो फटी हुई है तेरी, जेब में ही अंबानी अंदर भाई, जेब में। तो यार मैं बताना ये चाहूंगा कि हमारा सदर और इम्प्रेस मार्केट वगैरह जाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाए कि भाई वहाँ चीज़ें क्या रेट चल रही है और किस हिसाब से मिल रही है, क्योंकि हमारा तो अक्सर जाना होता रहता है क्योंकि हमें घर के लिए सामान खरीदना होता है, तो हम चाहते हैं कि हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को भी दें ताकि आप लोग जो है वो चैनल से फ़ायदा उठाएँ और जाएँ वहाँ पर और अपने लिए भी हमारा भी कुछ फायदा करे। फायदा क्या हुआ अगर तुम खरीदे हो ड्राई फ्रूट, तो इसमें हमारा क्या फायदा? तो भाई देखो अगर लोग खरीदेंगे, लोग अब भाई मेरा फायदा बताओ, लोग देखेंगे वीडियो उससे पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो हम दोबारा और चीजें खरीदेंगे। यही तो यार बात ही बात है, लेकिन ड्राई फ्रूट की दुकान खोल लेंगे। अभी की बताओ अभी क्या फायदा है भाई, तुमने तो खरीदा है लेकिन मेरा इसमें क्या फायदा है ये बताओ। दुआ कीजिए कि इसकी तबीयत सही हो जाए। दुआ कर ले यार, तबीयत बवासीर हो गया बेचारे भाई, बड़ा खतरनाक बीमारी हो गया। ऐसे मजाक कर रहे हैं, ऐसा कोई हिसाब नहीं है, कुछ और हुआ। हाँ तो पेट में चक्कर आ रहा है, नाम आता है। हाँ दुआ करें ठीक हो जाए, इसके पेट में चक्कर आ रहे हैं ना, पेड़ में पता नहीं क्या मामला, कोई घुस गया अंदर, कोई जादू टोना कर दिया, क्या कर दिया समझ ही नहीं आ रहा है, पेट से डिस्टर्ब डिस्टर्ब हूँ पेट से। जब ये केला लेके जा रहा है अभी, मतलब खाएगा केला खाएगा। हाँ ये आपने जो बात दी है ना, खाएगा ये लेके जा रहा है, तो लोग जो है ना कुछ और ही समझते हैं क्या लेके जा रहा है। तो यार वीडियो यही पे इख्तिताम करते हैं अपनी, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब के लिए लंबी कर रहा है लोग। अब मुताल भाई से पूछिए, मुताल भाई नाराजगी है कोई? नहीं नहीं भाई नाराजगी, बंदा सीरियस था यार, इसे नो डाउट इसमें सीरियस था बंदा, जल्दी सीरियस नहीं होता तो फिर जल्दी कैसे करा। लेकिन एक घंटे में भाई ने भाई बिल्कुल लेके किया सपाटा, और सपाटा रहा है तीसरे पे, तीसरे में दुम और चौथे में दुम और पोयो, चौथा गियर लगा ही नहीं, लगा ही तीसरे गियर में, चौथा गियर लगते लगते ही इंप्रेस मार्केट आ गया भाई, बेहतरीन है भाई। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, बस हो गया ना, अस्सलाम वालेकुम। तब तक के लिए भाई मसले तो होते रहते हैं, हम मिडिल क्लास लड़के हैं तो हमारी जिंदगी मसले होते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अगले व्लॉग में मिलते हैं।